तीर्थ ने सुमन के लिए की चोरी। सुमन हुई शर्मिंदा। तीर्थ ने सुमन से शादी मजबूरी में की थी, पर देखते ही देखते दोनों में फासले कम हो रहे हैं। सुमन की मदद करने के लिए तीर्थ ने अपने ही घर में चोरी की और अब तीर्थ सुमन को समझा रहे हैं कि अपने ही घर में चोरी करना गलत नहीं। सुमन जी, रूमी जी, कुछ तो बोलिए। सुमन जी, नमकीन किंग की बात तो इतनी सीरियसली वो खुद भी नहीं लेते, मतलब बोर की पुरानी आदत है। गुस्से में फटे हुए ढोल की तरह ना वो ऐसे ऐसे बजने लग जाते हैं कसम से। पर एक बात है, जितनी जल्दी उनका गुस्सा चढ़ता है ना, उतनी जल्दी वो डर भी जाता है। अब देखिए ना, कैसे उन्होंने हमारी मजबूरी समझ के माँ भूमि मालिनी बुआ उनकी हेल्प करने के लिए हमें परमिशन दे दी। वो मजबूर नहीं है, बेसहारा नहीं, भिखारी नहीं है। उनको किसी के खैराक, किसी की भीख की जरूरत नहीं है नेता जी। नहीं, सुमन जी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं जानती हूँ आपका इरादा नहीं था। अपने पापा जी के बिना परमिशन के, उनसे बिना पूछे उनकी तिजोरी से पैसे निकालना गलत है। और आपने वो गलत काम किया मेरी वजह से। मेरी वजह से आपको और मम्मी जी को आज सजा मिली। तुम्हारे हर फैसले, चोचले, हौसले सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है रूमी जी, आप मुझे सिर्फ, एक्चुअली हमें सिर्फ इस कमरे से नहीं, आप इस घर से ही बाहर निकालेंगे। नहीं, अगर इस प्लान के बारे में वो नमकीन को पता लग गया ना, तो सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी साथ में गरम तेल में ना तल देंगे वो। नो, नेवर, नहीं, हो ही नहीं सकता। अखिल, स्कूल में मैनर्स नहीं सीखी क्या? जब भैया भाभी की नई नई शादी होती है तो रूम नॉक करके आना चाहिए। हाँ, निकले। ये तो आपकी फैमिली का हो गया, शर्मा गया। थैंक यू। तो अब देखते हैं तीर्थ और सुमन कैसे करीब आते हैं। सुमन इंदौरी से जुड़ी सारी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें टेली मसाला।